हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज है 26 फेब और अभी हम लोग जा रहे हैं हेरिटेज विलेज जो कि अबू धाबी में ही है। के पास झूला भी है। हाँ, जिसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं। मिकी भी आ रही है हमारे साथ। हाँ, तो अभी जाके पता चलेगा कि वहाँ पे क्या है। पहले तो इसी की सुन लेते हैं जो बोल रही है। बताओ। अभी हम मिठी तो हमारे पास भी आ रही है। मिठी हु इज मिठी? वो मेरी फ्रेंड है। ओके, बाय द वे यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। ओह सो क्यूट। चलो चले। यस, चलो लेट्स गो। लेट्स गो। तो हम पहुंच गए हैं हेरिटेज विलेज और इसकी बहुत नॉमिनल सी टिकट है 5 दिरहम की। और ये है सिक्योरिटी चेक इन, जहाँ पे आपको अपने हैंड बैग्स बैग्स सब स्कैनर से क्रॉस करवाने हैं। बेसिकली यहाँ पे जो है वो है पवेलियंस कुछ कंट्रीज़ के, कुछ लिमिटेड कंट्रीज़ के, जो अपने कल्चर को शो करती हैं वहाँ पे क्या चीज़ फेमस है। और यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत अच्छी राइड्स हैं और ग्लो गार्डन है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि हर चीज़ कितना चमक रही है, कितनी लाइट्स हैं यहाँ पे। तो वो भी अभी हम देखेंगे कि ग्लो गार्डन कहाँ पे है, कैसा है। तो अभी हम लोग घूम ही रहे थे कि बीच में एक ऐसे पूरे ढोल नगाड़े के साथ एक बारात टाइप कुछ निकल रहा था, तो हमने सोचा कि चलो पहले इसी को देख लेते हैं। बेसिकली जितने भी कंट्रीज़ के यहाँ पे पवेलियन हैं उन सब का कल्चरल डांस था। तो चलिए पवेलियंस को एक्सप्लोर करते हैं। ये है यमन का पवेलियन, जहाँ पे जो चीज़ें वहाँ पे फेमस हैं वो सब दिखाई गई हैं, लाइक स्पाइसेस हैं, ज्वेलरी है, ड्रेसेस हैं, वो सारा कुछ। और ये है इजिप्ट का पवेलियन, जहाँ पे बहुत खूबसूरत कैंडल्स, ज्वेलरी और क्लोथ्स हैं, एज यू कैन सी। और ये आ गया हमारे इंडिया का पवेलियन, जिसको तो हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। सामने में अगर आप देखेंगे तो ताजमहल को कॉपी करके एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, वही जो उस कंट्री की फेमस चीज़ें हैं, फेमस जगहें हैं, वो सारा कुछ पवेलियन में शो होती हैं। तो इस तरह से जैसे इंडिया का जो फेमस है ताजमहल, वो शो हो रहा है। और बहुत खूबसूरत पंजाबी जूती की भी शॉप थी, जहाँ पे हम सब लोग फैल गए। और ये है टर्की का पवेलियन, जहाँ पे जो टर्किश फूड है वो मिल रहा है, ज्वेलरी है, शो पीसेस हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे है जो टर्की में फेमस है।
और अभी आ गए हैं बच्चों की फेवरेट जगह पे। हाँ जी, जहाँ पे बच्चों की राइड्स हैं बहुत खूबसूरत खूबसूरत। तो बच्चे लोग तो फैल गए यहाँ पे कि हमें तो सब करनी है, तो लेकिन बच्चों को सबको लिमिट दी गई थी कि सबको दो दो ही करने को मिलेगा, तो अपनी मर्जी का चूज़ कर लो सब में से जो आपको अच्छी लगती है, लेकिन आपको सिर्फ दो ही करनी है क्योंकि ये फ्री नहीं है, सबके लिए आपको डिफरेंटली पे करना पड़ेगा। तभी इसकी बहुत नॉमिनल सी टिकट है क्योंकि अंदर में जो कुछ भी आप देखेंगे, कुछ परचेज करेंगे, सबके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो अभी जो छोटे बच्चे थे जो रूहानी के साइज़ के थे, वो सब लोग जा रहे हैं इस वाली राइड पे, और इसमें आपको पेरेंट्स के साथ बैठना है तो इसलिए हम भी साथ में बैठे हैं। और उसके बाद हम लेडीज लोगों ने बंक मारा और सबको चकमा देकर निकल गए। ये तो एपिक मोमेंट है कि हम सब बच्चों को छोड़ गए और पति लोगों को छोड़ के हम लोग जा रहे हैं। मैंने इसीलिए इनको पकड़ी कि ये मान जाते हैं। हाँ। बाकी वाले ना इसलिए बिल्कुल ही नहीं मानते। अभी आए हैं डिनर करने के लिए नेशनल हाईवे रेस्टोरेंट पे। दादू, यू आर सो क्यूट। हैप्पी बर्थडे। हूज बर्थडे? ओह नाइस। व्हाई शी एंग्री? नो द मेन क्यूट से। इधर दिखाओ, लुक एट मी। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का व्लॉग। व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।